आपने हमने वोट दिया मोदी जी का भाषण सुन के कि मोदी जी गुजरात में बड़ा विकास किए हैं, तो भैया गुजरात में तो मोदी जी विकास कर रहे हैं, पूरा देश का पैसा ले जाकर गुजरात के गांव गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं और पूरे बिहार से, मधेपुरा से, आपके गांव से आपके बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो कौना बात पर आप लोग वोट दिए हैं जो नहीं मिल रहा? अरे हाँ, अभी तो आप बोले कुछो नहीं मिल रहा, आ हम गिनवा रहे तो कह रहे ना भैया नजवा मिलिए रहा है, मंदिर बनिए गया, बिजली आइए गया है, गुजरात में फैक्ट्री चलिए रहा है। अरे भाई यही बताने के लिए दुबरी से पैदल चल रहे, बोइएगा बबूल तो आम कहां से खाइएगा, वोट दे दीजिएगा 4 किलो अनाज के लिए तो आपके बच्चों के लिए रोजगार कहां से मिलेगा, वोट दीजिएगा मंदिर के मस्जिद के लिए तो आपके लिए फैक्ट्री कैसे बनेगा, वोट दीजिएगा जाति के नाम पर तो आपके बच्चों के लिए पढ़ाई कहां से होगा, यही बताने आए। आप मोदी को वोट दिए 4 किलो अनाज के लिए तो अनाज मिल रहा है, मोदी को वोट दिए मंदिर के लिए मंदिर बन गया, लालू जी को वोट दिए आवाज के लिए आवाज मिल गया, नीतीश को वोट दिए बिजली के लिए बिजली मिल गया। इसी तरह अगर अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए रोजगार के लिए भी वोट दोगे तो चाहे नीतीश को दो कि लालू को, वो भी आपको मिलेगा। लेकिन पूरा गांव क्या बोला है, अपने बच्चों के नाम पर आप बोले हैं कि भैया जीवन में आज तक पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए, तो जो जिसके लिए वोट दिए वो मिला और जिसके लिए वोट नहीं दिए वो नहीं मिला। इतने बात समझाने आए।